देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। सेज विश्वविद्यालय इंदौर अपनी शिक्षा पद्धति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मध्य भारत के साथ पूरे देश में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा शोध क्षेत्र नैक से A+ ग्रेड प्राप्त एवं नव प्रवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ने में निरंतर प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में सेज विश्वविद्यालय द्वारा सेज क्रिएटर्स अवार्ड 2024 का आयोजन के माध्यम से कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम डिजिटल क्षेत्र से प्रभावशाली हस्तियों का समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव को पहचानने के लिए सबको एक मंच प्रदान किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में भारत के साथ साथ दुनिया भर में अपना नाम और अपने विशेष क्षेत्र मीडिया, फिल्म, रेडियो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, लेखन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजाइनर्स, साहित्य और कला क्षेत्रों से जुड़े, जिनमें विजय विक्रम सिंह, अमन अक्षर, पंकज जीना, अंकुर आर पाठक, विकास चौधरी, कुलदीप खरे, एकाग्र शर्मा, वाजिद खान, शिखा शर्मा, मनमोहन जोशी, प्रतीक्षा जैन नैयर कार्यक्रम में प्रवक्ता के तौर पर मौजूद थे। साथ ही प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में चिंतन बाकीवाला, समीर शर्मा, सुभाष यादव, शशांक और ऋतिक, इन सबके साथ और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स पर अपना सामाजिक एवं प्रेरणात्मक योगदान दे रहे 60 से अधिक सोशल मीडिया पर एक्टिव प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया एवं उन्होंने अपने विचार एवं अनुभवों को साझा किया। सेज विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल बंसल ने इस पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेज क्रिएटर्स अवार्ड 2024 का उद्देश्य उस रचनात्मकता और सकारात्मक बदलाव का जश्न मनाना है जो कि इन क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और गेमिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल है। यह कार्यक्रम सभी विद्यार्थियों, आमजन और प्रतिभावान लोगों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने प्रभावशाली काम से दूसरों को प्रेरित करने का एक अनूठा अवसर साबित होगा। इस विशेष कार्यक्रम में सेज विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी मौजूद रहे। किस तरह का पूरा प्रोग्राम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में आज सेज क्रिएटर्स अवार्ड करे जा रहे हैं, जहां पे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और उन फेमस पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने कुछ अलग करके अपना नाम बनाया है, सीधी साधी रास्ते पे नहीं बट रास्ता अलग चुना है, उनको क्या कठिनाइयाँ आई हैं वो जान रहे हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट से लेके नेल स्कल्पचर आर्टिस्ट तक हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, फ्रॉम सिंगर, रंगोली आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने अपने काम से किसी पॉजिटिव चेंज में हेल्प करा है। तो हमारा सेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो ये सुने कि कभी भी लाइफ में अंत नहीं है, जब आप जागो तभी सवेरा है। ऐसे कितने क्रिएटर्स को यहाँ पर आज अवार्ड दिया जा रहा है? आज हमारे यहाँ पे 100+ क्रिएटर्स हैं जिनको हम अवार्ड दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं उनके करेज के लिए और उनके ये सफ़र के लिए और बहुत अच्छा वो ज़िंदगी में अपनी करते जाएं। आयोजन में अतिथि और मोटिवेशन के लिए कौन उपस्थित है? आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज हैं, जैसे विक्रम सर जिन्होंने आपने बिग बॉस जो रियलिटी शो है उसमें उनकी आवाज़ सुनी होगी दोपहर के 12 बजे, आप उनसे ज़रूर सुनना, इसके बाद उनसे मिलना। और वाजिद जी हैं जो नेल आर्टिस्ट, जो स्क्रूज होते हैं उनको वो अपने स्कल्पचर बनाते हैं, उसे महात्मा गांधी जी की फ़ोटो बनाते हैं, बच्चे की फ़ोटो बनाते हैं, उन्होंने बुलेट से महात्मा गांधी जी की फ़ोटो बनाई है, उन्होंने टूटे हुए पुराने जो कार के पार्ट्स रह जाते हैं उससे हॉर्स बनाया है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको आप लोग यहाँ पे आज मिल सकते हैं। सोशल मीडिया से क्या समझती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक सक्सेस प्लेटफॉर्म भी हो गया है आजकल जो युवाओं के लिए, बिल्कुल बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया में आज सब लोगों को ये चाहने कि सोशल मीडिया को आप बहुत ही अच्छे से भी यूज़ कर सकते हो और ये ही सिखाने हम आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, मस्ती करो, झूमो, गाओ और बहुत ही ईमानदारी के साथ करते रहो अपना काम। लगता है यंग माइंड से मिलकर, यंग क्रिएटर से मिलकर अपनी जर्नी उनके साथ शेयर करके और सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक्सेप्टेंस है और ये एक्नॉलेजमेंट है कि न्यू एज मीडिया अब पूरी तरह से हम लोगों की जिंदगियों में, आप कहीं पूछे तब मैं बताऊंगा। आप वहाँ पर कहते हैं कि दोपहर 1:15 बजे
सर स्टार क्रिएटर्स अवार्ड यहाँ दिए जा रहे हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उपलब्धि हासिल की है, क्या क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए, क्या मोटिवेशन है आपकी? मैं बधाई देना चाहता हूँ सेज यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने इतना अच्छा क्रिएटर्स अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है। न्यू एज मीडिया है, अपकमिंग लोग हैं तो उनको भी प्रोत्साहन की जरूरत है एंड दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ इनकरेजिंग देम। मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं पहचान देने के लिए, और ये एक ऐसा मौका है जहाँ हम सब लोग जुटे जमा हुए जो दुनिया से कुछ अलग हटके कर रहे हैं और आवाज़ के ज़रिए अपने अपने हुनर के ज़रिए लोगों तक पहुँच रहे हैं, और आज ये मौका था जहाँ हमें भी कुछ अलग पहचान मिली और लोगों से मिलने का मौका मिला। क्योंकि सोशल मीडिया में तो आप क्या होता है कि उन लोगों से बात कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा था जब आमने सामने की बातें हुई, और आमने सामने जब बातें होती हैं तो खूबसूरत बातें निकल आती हैं। तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का ये शहर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ऐसा शहर है जहाँ आकर के आपको एक तो अपनापन लगता है। मैं पहाड़ों से हूँ तो पहाड़ों में स्वच्छ हवा है और स्वच्छता है हर जगह, ये आपने देखा ही होगा, और हरियाली है, और वैसे ही इंदौर शहर में हर जगह स्वच्छता है, और मुझे वो एक कनेक्शन फील हुआ, अपनापन महसूस हुआ, और किताबों में पढ़ा इस शहर के बारे में, आवाज़ से तो पहुँचे हैं पहले कई बार, लेकिन ये पहली दफ़ा था जब खुद से मिलकर के आए, तो बहुत खूबसूरत शहर और बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है हाँ, मैं हर तरह की कहानियाँ ट्राई करता हूँ सुना सकूँ, पर अभी इंदौर में मुसाफिर हूँ, मैं अलग अलग जगहों को घूम रहा हूँ, और इंटरनेट पर तो अभी पोस्ट नहीं किया, आई होप जल्दी लेकर के आऊँगा। तो कहानियाँ सुना के जो आप कह रहे हैं मिलियंस फॉलोअर हो गए, तो ये है कि इसमें बरसों से हम लगे हुए हैं काम करने में, तो ये एक पहचान है, और मुझे लगता है ये तो आंकड़े हैं, ये तो ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहेगा, एक दिन इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा फिर क्या। मुझे लगता है वो क्राफ्ट रहनी चाहिए, कहानियाँ रहनी चाहिए, कि कल हम नहीं रहेंगे तो फिर तो ना ये फॉलोअर है ना कुछ है, लेकिन ये क्राफ्ट रहे, मैं रहूँ ना रहूँ ये आवाज़ रहनी चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए, बाकी तो क्या। मैं खुद तो कोई गुरु हूँ नहीं सर जो मैं मंत्र दे सकूँ, मैं बस इतना कहूँगा कि आप ना अपनी क्राफ्ट पे काम करते रहिए। क्या होता है कि अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि एक दिन में हमें सफलता मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। क्या होता होगा कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए, पर कहानियाँ तो रहेंगी ना, लोग सुनने वाले तो रहेंगे ही, तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेहनत करते रहिए यार, सब हो जाता है यार, इतना ज़्यादा लोड लेना ही नहीं लाइफ का। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है, मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ, शहर दर शहर घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। आज जो शहर में आया हूँ जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जहाँ के लोग बड़े अपनेपन से मिलते हैं, जहाँ पोहा और जलेबी साथ में खाया जाता है, जहाँ लोग मिलते हैं तो गले से लगा लेते हैं, शहर को मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत देता हूँ, शुक्रिया। देखिए इस तरह के अवार्ड शोज जो हैं वो आयोजित किए जाते रहने चाहिए, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे फंक्शंस को देखकर मोटिवेट होते हैं, उनको समझ में आता है कि जीवन में और क्या क्या किया जा सकता है। हमारे लिए भी ये मोटिवेशन है, काइंड ऑफ रिकग्निशन है, जो कि हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। थैंक यू सेज यूनिवर्सिटी। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।